स्वागत है आपका अपने ही चैनल हटके प्रेडिक्टर में। तो आज हम बात करने वाले ECST 10 फ्रैंक पर DCC वर्सेस FCC का मैच के बारे में, जो थर्ड मैच रहेगा। FCC का ये सेकेंड मैच रहेगा। एक मैच ऑलरेडी एक खेल के आएंगे, तो उसमें इनका सारा हम देख सकते हैं कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है और बॉलर्स और बैट्समैन जो भी हैं वो क्या हो सकते हैं। DCC का आप यहाँ पे एक बार देख लो, DCC का प्लेयर स्टैट्स वगैरह। तो यहाँ पे वेन्यू की बात करूँ तो वही वेन्यू रहेगा फ्रैंकफर्ट ओवल का, जहाँ पे आर्टिफिशियल यूज़ किया जाता है। पिच यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, सारा प्लेयर्स का T20 का स्टैट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको बता दूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी आपको पता चल जाएंगे, किसको अवॉइड कर सकते हो वो लिस्ट भी मैं दे दूंगा, लोएस्ट सेलेक्टेड प्लेयर्स भी मिल जाएंगे, और बैट्समैन जो हैं वो कौन कौन बॉलिंग करते हैं वो भी लिस्ट है, और जो बॉलर्स ऊपर बैटिंग कर सकते हैं वो भी लिस्ट इसमें दिया हुआ है। अगर आपने FCC का पहला मैच जो है उसका अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनका फर्स्ट मैच का वीडियो आप देख सकते हो, जो कि TUH के बीच में इनका फर्स्ट मैच खेला जाएगा FCC का। तो चलो अभी बात कर लेते हैं FCC का प्लेयर स्टैट्स, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो इनका मैं अभी कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जो लोग यहाँ पे नए हैं ना, उनको अगर चाहिए तो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इनका स्टैट्स एक बार देख सकते हो। तो यहाँ से सारे प्लेयर्स का मैंने दिया हुआ है। शफाकत अली, ये जो यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं हुआ, इनका मुझे स्टैट्स नहीं मिला, जैसे ही मिलेगा मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन से भी सारे प्लेयर्स हैं, और बॉलिंग सेक्शन से भी सारे प्लेयर्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर से यहाँ पे इनका भी स्टैट्स नहीं है, ये जो नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है कि स्टैट्स नहीं है, जैसे ही मिलेगा तो ज़रूर शेयर किया जाएगा। जो नए हैं वो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख लें। तो देखो अभी DCC का अगर बात करूँ तो यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन में है कुदरतुल्ला उल्फत, जो कि लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। 7 मैच 7 इनिंग्स में 137 रन किया हुआ, हाईएस्ट 48 है, एवरेज 27 का, और कभी कभार बॉलिंग करते हैं, एक दो ओवर ही डालते हुए दिखे थे जिसमें से एक विकेट लिया हुआ था। इनका मुझे खेलने का चांसेस कम लग रहा है। यहाँ से विकेट कीपिंग मेरे हिसाब से अदनान नज़ीर करेंगे, या फिर यहाँ पे अजमत अली जो हैं ये विकेट कीपिंग ये भी कर सकते हैं। देखते हैं इनकी टीम से कौन विकेट कीपिंग करता है अगर ये नहीं खेलते हैं। तो अगर खेलते हैं तो रेगुलर विकेट कीपर है अपनी टीम के, तो यही विकेट कीपिंग करते हुए दिखेंगे। बैटिंग सेक्शन से विपिन छेत्री है, जो कि 4 मैच 3 इनिंग्स में 77 रन किया हुआ है, 52 नॉट आउट है, एवरेज बहुत अच्छा है 38 का, और 3 इनिंग्स में बॉलिंग भी की है जिसमें एक विकेट निकाला हुआ है। फहीम बेग की बात करूँ तो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, 5 मैच 3 इनिंग्स 9 रन यहाँ पे किया हुआ है और विकेट 0 है। ये अगर खेलते हैं ना तो भाई ये बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, बैटिंग से आपको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बॉलिंग एक दो ओवर डालते हुए दिख सकता है जिसमें विकेट मिल भी सकता है या भी नहीं, तो वो ध्यान में रख के चलना फहीम बेग का। अदनान नज़ीर की बात करूँ तो ओपन करते हुए दिखेंगे, बॉलिंग नहीं करते हैं, 10 मैच 10 इनिंग्स 142 रन, हाईएस्ट 28, एवरेज 15 का, डिसेंट प्लेयर है, नॉर्मल पिक के तौर पे लेकर चल सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना अदनान नज़ीर को। शेख हबीब की बात करो तो 4 मैच 2 इनिंग्स 3 रन किया हुआ है यहाँ से। वही अभी अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें ना तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इनके मिलेंगे। देखो 10 मैच 9 इनिंग्स 131 रन, हाईएस्ट 28 का, एवरेज 14 का, और विकेट कितना निकाला 18 मोहम्मद उमर ने, जिनका परसेंटेज सिलेक्शन बहुत कम है और 2 डाउन आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। मंसूर खान मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, 9 इनिंग्स में 10 विकेट निकाला हुआ है, प्लस 79 रन किया हुआ है, एवरेज 13 का है। अजमत अली की बात करो तो वन डाउन बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, 10 मैच 10 इनिंग्स 384 रन किया है, 76 नॉट आउट है, एवरेज बहुत अच्छा है 42 का, एक इनिंग्स में मात्र बॉलिंग की थी जिसमें विकेट लेस गए थे अजमत अली। अगर खेलते हैं तो बॉलिंग से ये मान के चल सकते हैं कि बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, 30 प्लस भी स्कोर कर दिया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी अगर हम इन्हें पिक कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी देखो उमर खान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, 11 मैचेस 10 इनिंग्स 174 रन, हाईएस्ट 48 नॉट आउट है, एवरेज 24 का, तो विकेट्स यहाँ पे 12 निकाला हुआ है, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा है, स्टेबल बैट्समैन है, अच्छा रन स्कोर करते हुए आपको दिख सकता है, प्लस हमें पूरा ओवर भी डालते हुए मिल रहा है, तो बहुत अच्छी पिक रहेगी उमर खान की। हिकमत खान टॉप ऑर्डर में या फिर मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, 35 नॉट आउट हाईएस्ट है इनका, 103 रन किया हुआ है 9 इनिंग्स में, और सिर्फ एक ही इनिंग्स में बॉलिंग की है, वो भी एक ओवर डाला था जिसमें विकेट लेस गए थे। तो अगर चाहो तो बैट्समैन के तौर पर लेकर चल सकते हो या फिर अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बॉलिंग नहीं कर रहे हैं और बैटिंग भी बहुत नीचे करेंगे, कभी कभार प्रमोट कर दिए जाते हैं ऊपर।
तो वो थोड़ा ध्यान में रख के चलेंगे। इनिशियल मैचेस में पता चल जाएगा कि हमें कहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं, तो बाद में जो एक दो मैचेस हो जाएगा तो गेस कर सकते हैं कि कितने नंबर पे आ सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे दो तीन प्लेयर, दो प्लेयर सा नहीं, तो मान के चलो चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, खलीलुर रहमान 6 मैच 6 इनिंग्स 6 विकेट निकाला हुआ है। शफीउल्लाह नियाज़ी ओपन कर सकते हैं या फिर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन बल्ले से उतना कुछ किए नहीं है, लेकिन गेंदबाजी से 9 विकेट निकाला हुआ है 10 इनिंग्स में। T10 है बॉलर के तौर पर हम लेकर चलेंगे, ऊपर आ गए और 2-3 सिक्स भी मार दिया तो हमें बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, प्लस विकेट ले लिया तो बहुत अच्छा रहता है ना, इसीलिए प्रिफर कर रहा हूँ शफीउल्लाह नियाज़ी को। परवेज़ अखौफ़ज़ादा, क्या नाम है भाई, अखौफ़ज़ादा, सॉरी परवेज़ अखौफ़ज़ादा की अगर बात करूँ तो 4 विकेट निकाला हुआ है 3 इनिंग्स में, इनको भी डिसेंट पिक के तौर पर लेकर चल सकते हो, बहुत अच्छे बॉलर भी हैं, रेगुलर बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। माजिद नसीरी टॉप ऑर्डर फिर या फिर लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं, मान के चलो कि मिडिल ऑर्डर में आपको बैटिंग करते हुए दिखेंगे, इनको प्रमोट किया जाता है क्योंकि हार्ड हिटर बैट्समैन है अपनी टीम के। 8 इनिंग्स में 96 रन्स किया, हाईएस्ट 46 है, प्लस 9 विकेट भी निकाला हुआ है 9 इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए। तो यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट खलीलुर रहमान और मजीद नसीरी हैं। थर्ड प्रेफरेंस मैं नियाजी को दूंगा, फोर्थ प्रेफरेंस मैं यहाँ से अखौफ़ज़ादा को दूंगा, तो इनमें से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको किसको पिक करना है। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, अगर नए हो चैनल पे, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। ये हमारा नेम और लोगो है चैनल का, हटके प्रेडिक्टर ड्रीम इलेवन फ्री टीम्स के नाम से, जहाँ पे 323 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी चाहो तो जुड़ सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे सब्सक्राइब करने का बटन दिख ही रहा होगा, भाई सब्सक्राइब कर दो, पैसा थोड़ी लग रहा है सब्सक्राइब करने में, और पूरे वीडियो में बने रहो जिसमें आपको सारे प्लेयर्स का लिस्ट भी आपको मिल जाएगा। देखो ये जो सिंबल है प्लेयर्स फ्रॉम FCC का, और ये जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है प्लेयर्स फ्रॉम DCC का है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की अगर बात करूँ यहाँ पे तो वमाक सैयद यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस मैच के लिए। बैटिंग से अयूब पाशा, अलीशान मोहम्मद, तंजील तरीक, और इधर से विपिन छेत्री, सॉरी यहाँ से मैंने ये सिंबल यहाँ पे डाल दिया है तो कन्फ्यूज़ मत होना, ये जो प्लेयर है FCC का प्लेयर है वमाक सैयद। हाँ अभी देखो DCC से विपिन छेत्री यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और यहाँ से ऑलराउंडर से बात करूँ तो उमर, मंसूर खान, अजमत अली, उमर खान, ये जो 4 प्लेयर हैं ये इम्पोर्टेंट हैं इनकी टीम से। तो इन 6 में से हम किसी 4 को हमें सेलेक्ट करना है तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, डिपेंड करता है लाइनअप्स पे कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। अगर पूरे खेलते हैं तो इनमें से बेस्ट 4 हम लेकर चलेंगे। बॉलिंग से बात करूँ तो FCC से हसन नोमान है, वाहिद हजी है और मोहम्मद आख्यार है, वही DCC से खलीलुर रहमान है, परवेज़ अखौफ़ज़ादा है और माजिद नसीरी है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको इन्हीं में से पिक करके चलना क्योंकि यही जो प्लेयर्स हैं आपको ऑलमोस्ट जिताने वाले हैं। अगर इनमें से कोई नहीं खेलता है और यहाँ से कोई खेल जाता है तो देखो यहाँ पे भी मैंने दिया हुआ है लेस बट इंपॉर्टेंट में, कुदरतुल्ला उल्फत को दिया हुआ है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैट्समैन तो अच्छा है लेकिन नीचे बैटिंग कर रहा है। अखिल तारिक 1 डाउन या 2 डाउन आपको दिख सकता है FCC से, और अदनान नज़ीर जो कि ओपन कर रहे हैं डिसेंट बैट्समैन है, 20 या 30 प्लस आपको करते हुए दिख सकते हैं। इकबाल मोहम्मद 2 डाउन FCC से, और हिकमत खान टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर जो कि DCC से है लेकिन बॉलिंग नहीं कर रहा बंदा, देख कर चलना। बॉलिंग से अगर बात करूँ तो जन्नत अहमद जई है, कामरान मोहम्मद है FCC से, और अगर DCC से प्रीफर करना चाहो तो शफीउल्लाह नियाज़ी है, इनको आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे अवॉइड किसको कर सकते हो इनकी टीम से, देखो फ़हीम बेग है, शेख हबीब है, फ़हीम बेग आपको पूरा बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, बैटिंग से कोई पॉइंट्स नहीं देंगे, अगर अच्छे बैट्समैन की जगह पे इनको पिक कर लिए विकेट लिए तो फ़ायदा रहेगा हमारा, अगर विकेट नहीं ले रहा है बंदा माइनस देकर चला गया तो बैटिंग करने का मौका मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो बहुत नीचे 1-2 रन करके निकल गया तो बहुत पॉइंट्स हमें नहीं मिलने वाला इनके तरफ से, तो इसीलिए मैंने इनको इस लिस्ट में डाला हुआ है। शेख हबीब का मुझे स्टैट्स उतना कुछ अच्छा लगा नहीं तो इनको भी इसीलिए अवॉइडेड में रखा हुआ है। तो ये 2 ही प्लेयर थे जो यहाँ से मुझे अच्छे नहीं लगे थे, बाकी जो इनके 14 हैं टोटल, तो 2 निकाल दिए तो 12 प्लेयर इनके जो हैं वो मुझे अच्छे लगे थे, तो उन्हीं 12 में से हमें 5 या 6 प्लेयर या फिर 7 प्लेयर भी लेकर चल सकता हूँ मैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। FCC के फर्स्ट मैच पे डिपेंड है कि वो लोग कैसा परफॉर्म करते हैं, तो सेकेंड मैच उसी के बेसिस पे टीम बनाया जाएगा ना। फर्स्ट मैच का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो।
देखो बैट्समैन यहाँ पे कौन बॉलिंग कर सकता है, एक तो अय्यूब पाशा पार्ट टाइम, अखिल तारिक पार्ट टाइम, आलिशान मोहम्मद पार्ट टाइम, तंजील तारिक पार्ट टाइम FCC से हो गए। DCC से फहीम बेग आपको फुल टाइम बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं और विपिन छेत्री आपको फुल टाइम बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं अगर खेल रहे हैं तो। विपिन छेत्री अच्छे ऑप्शन है, ओपन कर रहे हैं, प्लस आपको अपने ओवर का दो अपने कोटे का दो ओवर डालते हुए दिख सकते हैं। इनिशियल मैचेस है, कन्फर्म 100% नहीं बोल रहा हूँ कि करेंगे, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ECS का जो भी मैचेस होता है वो बहुत रिस्की होता है, कुछ भी इसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। जो बंदा लास्ट में नीचे बैटिंग किया रहता है वो बंदा ओपन करने के लिए आ जाता है, ईजी कैच ये लोग ड्रॉप कर देते हैं, तो इनमें बहुत दिक्कत होती है खेलने के लिए, तो थोड़ा रिस्क है मैचेस में, देख कर चलना है। बॉलर्स की बात करूँ कौन बॉलिंग कर सकता है, सॉरी कौन ऊपर बैटिंग कर सकता है, माजिद नसीरी आपको ऊपर बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं और शफीउल्ला नियाजी आपको ऊपर बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं DCC से। वही FCC से हसन नोमान और कमरान मोहम्मद आपको ऊपर बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं। देखो यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्शन की अगर बात करूँ, आलिशान मोहम्मद को 13% लिया हुआ है, अखिल तारिक को 11, तंजील तारिक को 6%, इकबाल मोहम्मद को 7, संजीव तनेजा 5%, मोहम्मद अख्तियार 5%, वाहिद हजी को 11% लिया हुआ है। तो ये जो प्लेयर्स है ना इनका परसेंटेज तो बदलने वाला है भैया, क्योंकि फर्स्ट मैच जैसे ही परफॉर्मेंस दिखेगा ऊपर नीचे हो जाएगा परसेंटेज, तो इन पर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान हम किस पे देंगे, DCC पे हम ध्यान देंगे। तो देखो DCC से विपिन छेत्री 22% लिया हुआ है, अच्छे प्लेयर हैं, यहाँ पे 2 स्टार भी मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मान के चल सकते हो कि प्लेयर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। अदनान नज़ीर 9% लिया है, मोहम्मद उमर को 20%, अजमत अली को 8%, उमर खान को 3%, हिकमत खान को 6%, खलीलुर रहमान को थोड़ा लिए हैं 33% पे है, मजीद नसेरी 11%। तो इन प्लेयर्स को देख कर चलना, ग्रैंड लीग में बहुत आपके लिए मदद कर सकते हैं, ऊपर आपको अच्छा रैंक लाने में बहुत हेल्प हो सकता है अगर इस लिस्ट के थ्रू आप अगर टीम बनाओगे तो। यहाँ पे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी पिक्स की बात करो तो ग्रैंड लीग में भी इनको ट्राई कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन करके इन्हीं प्लेयर में से चलना, क्योंकि दूसरे प्लेयर जो है वो उतने अच्छे मुझे लगे नहीं। आप चाहो तो एक आधा ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा इन प्लेयर्स को। देखो यहाँ से तंजील तारिक, हसन नोमान FCC से, वाइस कैप्टन के लिए अय्यूब पाशा, अखिल तारिक और अलीशान मोहम्मद, इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हो अगर FCC के फेवर में टीम बना रहे हो। अगर DCC के फेवर में बना रहे हो तो विपिन छेत्री, मोहम्मद उमर और उमर खान, और यहाँ से अजमत अली है, मंसूर खान है और माजिद नसेरी है, ये बॉलर है, और यहाँ से हसन नोमान बॉलर है। तो इन बॉलर्स में मतलब बॉलिंग सेक्शन से इन दो प्लेयर्स को आप प्रीफर कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन करने के लिए। इसका टीम अभी मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, क्योंकि लाइनअप्स मैं वेट करूँगा इनका, लाइनअप्स के बाद ही आपको टीम मिलेगा। FCC का तो एक मैच हम देख ही लेंगे, तो उसके बिना पे मैं टीम बनाऊँगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टीम नहीं दिया हुआ। फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, फर्दर टॉस जो भी रहेगा, तो उससे पहले टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।